तो हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्त, आज हम एक कंप्लेंट पे आए हैं। आप देख सकते हैं वोल्टास का डेड टर्न स्प्लिट एसी है और ये 8 एम्पियर लेके चल रहा है। कस्टमर के का नाम है, आप हमारे एक वीडियो में देखे होंगे, हम इसके बारे में भी बताए थे। कस्टमर कहते हैं कि दिन में ठंडा नहीं करता, रात में ठंडा करता है। तो आप देख सकते हैं, हम ऊपर का पैनल खोले हैं और देख सकते हैं आप कंडेंसर कितना चोक है और एसी चल रहा है, गंदगी कितने ज़्यादा है, जमा हुआ है। तो इसीलिए दिन में तगड़ा धूप होती है तो कंप्रेसर ट्रिप करके बंद हो जाता होगा और कूलिंग नहीं होती होगी, और रात में जब धूप नहीं रहता है तो कूलिंग करता है। इनका टेम्परेचर ट्रिप भी कर जाता होगा, कमरा ठंडा रहता होगा, इनको पता नहीं चलता होगा। इसीलिए इनका कहनाम है कि रात में ठंडा करता है और दिन में ठंडा नहीं करता है। आप लोग को हम पहले सर्दी के मौसम में हम बताए थे, इस तरह का कंप्लेन आया था। देखिए, हम ही को मिला इस तरह का कंप्लेन, तो हम इसको क्या करेंगे। एम्पियर ले रहा है, एम्पियर ले कर ट्रिप कर रहा है, तो अभी धीरे धीरे एम्पियर बढ़ रहा है, इसलिए हम पता लगा के भी चेक कर रहे हैं एम्पियर धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो एम्पियर धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तो हम इसको व्यवस्था कर रहे हैं मशीन का, और इसको हम लगाएंगे प्रेशर पंप के माध्यम से। इसको अभी आउटडोर को धुलेंगे, और उसके बाद आउटडोर धुलने के बाद हम पूरा करेंगे पंप के माध्यम से सर्विस करेंगे। और आप वीडियो में बने रहिएगा और देखिए हम कैसे आउटडोर को साफ़ करते हैं। तो ये हमारा पुराना एसी है, साफ़ तो करना ही पड़ेगा, तो हम साफ़ करेंगे इसको। तो आप एसी को हम बंद कराते हैं और इसको हम प्रेशर पंप के माध्यम से सर्विस करते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं हम प्रेशर पंप के माध्यम से सर्विस कर रहे हैं, और आप वीडियो में बने रहिए, देखिए कैसे साफ़ करते हैं, फिर हम एसी को चलाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए। कब प्रेशर और बढ़ाना है? प्रेशर और बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, बोलता लगा आई तो दाहिने साइड की तरफ, आई तो देखो तो फाइनली आप देख सकते हैं हम सर्विस किए कितने अच्छे से, और इसको हम अब चलाएंगे। सारे एसी को हम पैक कर लिए और एम्पेयर मीटर लगा लिए हैं, और इसको हम चलाएंगे। अब नीचे हम ऑन करवाए हैं और हम देखेंगे कि हमारा एम्पेयर स्थिर रह रहा है कि नहीं रह रहा है। आप लाइव टेलीकास्ट वीडियो देख सकते हैं कि कंप्रेसर ऑन होता है तो कितना एम्पेयर लेता है, और थोड़ी देर चलने के बाद कितना एम्पेयर लेता है। तो आपको सारा चीज़ देखने को मिलेगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो आप देखवे किए हैं क्या दिक्कत था इसमें। इसमें प्रॉब्लम यही थी कि दिन में कूलिंग नहीं करता है और रात में कूलिंग करता है, तो यही इसका प्रॉब्लम था। तो हम इसको सर्विस किए कितने अच्छे से, पूरा गंदगी निकला, आप खुद देख सकते हैं काला काला गंदगी इसमें से निकला है। तो हम पूरा अच्छे से साफ़ कर लिए इसको, और साफ़ करने के बाद हम इसको स्टार्ट किए हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया, 4 एम्पियर से शुरू हुआ, क्योंकि ये कॉयल अभी ठंडा था तो एम्पियर कम लेके स्टार्ट होता है, ये जाएगा 8 एम्पियर तक। तो अगर 8 एम्पियर पे हमारा एम्पियर मीटर स्थिर है और चल रहा है कुछ देर तक, तो बढ़िया है, चलेगा, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, देखिए 4 एम्पियर 5 एम्पियर से स्टार्ट हुआ हमारा। अभी थोड़ी देर के बाद ये पाइप पे कलर चेंज हो जाएगा और रिटर्निंग मस्त आएगी, और रिटर्निंग आ ही रहा था, हम
गैस इसका ठीक है, प्रॉब्लम यही थी। आप खुद देखें कितना गंदगी निकला है, कितना देर तक हम लोग प्रेशर पंप से इसको साफ किया गया है। तो कोई बात नहीं, इस तरह से कंप्लेन आप लोग को भी मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत चीज़ इस तरह से होता है। अगर एम्पियर लेके ट्रिप हो रही है तो हम उसमें क्या क्या चेक करेंगे ये हम जान लें। आप लोग अगर एक्सपर्ट नहीं हो, नए टेक्नीशियन है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा क्या क्या चेक करना है। अगर एम्पियर लेके ट्रिप कर रहा है तो वोल्टेज चेक करना है, स्टेबलाइजर चेक करना है, और स्टेबलाइजर के डिस्प्ले पे नहीं विश्वास करना है। अपना एम्पियर मीटर है तो वोल्ट मीटर पे लगा के तार से हम अपना खुद एम्पियर से वोल्ट नाप लेंगे। ये नहीं वो बता रहा है तो हम उसी के भरोसे रहें, तो अपने खुद नाप लें। और कंडेंसर साफ़ होना चाहिए, और फैन का स्पीड आप देखें, आप खुद इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, और नहीं है तो आप अगर स्लो चल रहा है फैन का स्पीड, तो उसका कंडेंसर जितने का है उतने का लगाएं दूसरा कंडेंसर। और मोटर कभी ओवरहीट होता है तभी भी इस तरह का होता है। मोटर आप गए छत पे देख रहे हैं खूब स्पीड में चल रही है, और कुछ देर के बाद मोटर ओवरहीट होता है तो बंद हो जाता है, फिर उस पोजीशन में भी कंप्रेसर ट्रिप होता है। तो थोड़ा कस्टमर घर इस तरह का दिक्कत हो तो थोड़ा टाइम दे कस्टमर को, और अच्छे से एम्पियर मीटर लगा के चेक कर। देखिए हम दूसरे तार पे भी लगाएंगे तो भी हमारा वही एम्पियर बताना चाहिए, तो अलग नहीं बताना चाहिए। तो ये सब हम चेक करेंगे। अगर कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है तो गैस भी कम होती है तभी ट्रिप होती है, रिटर्निंग नहीं आती है तभी भी ट्रिप होती है, बहुत चीज़ होती है। हम इस बारे में सारा डिटेल वीडियो बनाए हैं बोर्ड पे, सारा चीज़ हम बताए हैं किन किन कारणों से ट्रिप होती है, और पूरा अच्छे जानकारी लेना तो वीडियो में जाके देखें। और ये आप खुद देख सकते हैं 6 एम्पियर तक गया लाइव टेलीकास्ट। हमारा कंप्लेन अब ओके हो गया है और हम कस्टमर से पैसा लेंगे। इतना ही काम का हम 650 रुपये मांगेंगे, हम क्यों छोड़ेंगे भाई। तो हम 650 रुपये लेंगे इतना ही काम का, और हम रफुचक क्यों होंगे दूसरे कस्टमर के वहाँ। दूसरे कस्टमर को अभी कंप्लेन इसी तरह का है। तो गर्मी का दिन चल रहा है, आप लोग सावधानियाँ से काम करिए, अच्छे से काम करिए, और धूप में बच के रहिए, गुलकंडी लेते रहिए, बहुत तगड़ा धूप गर्मी हो रहा है। और इसी तरह से वीडियो मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।